धनिये के वायदा बाजार में कुछ बढ़त देखी गई है और रोजाना 8,000 के ऊपर की क्लोजिंग दर्ज भी की जा रही है। गुजरात और राजस्थान की मंडियों में लगातार मांग के बीच आवक बढ़ने की संभावना के कारण व्यापारी और स्टॉकिस्ट पुराने स्टॉक को बाजार में ला रहे हैं। अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 23,300 टन के मुकाबले 10% घटा है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 12.7% अधिक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में देर से मानसून की बारिश होने से आने वाले सीजन में धनिये के उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक धनिये की कीमतें डेली बेसिस पर 8,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हुई हैं और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़त की संभावना बन सकती है। अमित सजेजा के मुताबिक धनिये की कीमतों में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है और 1 से 2 हफ्तों में 8,600 से लेकर 8,700 तक के लेवल्स हासिल किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।